कालपी जालौन रविवार को भारतीय नौसेना दिवस की पूर्व संध्या के अवसर पर पूर्व सैनिकों के परिवारों का मिलन समारोह धूमधाम पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर पूर्व सैनिकों उनकी पत्नियों तथा बच्चों के द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करके अपने अपने कर्तव्यों का प्रदर्शन करके जोहर को दिखाया। वहीं जोलूपुर मोड़ स्थित श्रीजा गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में कानपुर नोवल वेटरन्स संस्था के तत्वधान में आयोजित भारतीय सेना में सेवा कर चुके पूर्व सैनिकों के परिवारों को मिलन समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह जादौन ने कहा कि देश की सीमाओं में दिन रात सुरक्षा के प्रहरी बने हमारे सैनिक भारत माता की रक्षा दिन रात प्रहरी बने हमारे सैनिक भारत माता की रक्षा करने के लिए बने तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों का परिवारों का सम्मिलन आपसी बेल मोहब्बत को संदेश देता है। कार्यक्रम के संयोजक सुरेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि अभी तक हर साल कानपुर पूर्व सैनिक परिवारों का मिलन समारोह का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष जोलूपुर मोड़ स्थित श्रीजा गार्डन में परिवारों का मिलन समारोह भारतीय नौसेना दिवस की पूर्व संध्या में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों के परिवारों में रस्सी खींच पोटेटो कैच दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इसमें पूर्व सैनिकों के युगल जोड़ी के द्वारा तमाम तरह के प्रदर्शन करके अपने पुराने दिनों की यादों को ताजा किया गया। वहीं बच्चों के द्वारा नृत्य गीत गजल तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रदर्शन करके देश प्रेम का जज्बा दिखाया और इस अवसर पर देश की सेवा करने वाले पूर्व सैनिकों व लेखकों का सम्मान भी संस्था के द्वारा किया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता अपूर्व शरद श्रीवास्तव ने अपने संबोधन में कहा कि देश की सीमा में भारत माता की रक्षा करने वाले सैनिकों का योगदान को हम भूल नहीं सकते। पूर्व सैनिकों के जज्बों से हम लोगों को नसीहत लेनी चाहिए। और इस मौके पर महेंद्र कुमार हमीरपुर अमित सिंह कन्नौज डीके गुप्ता कमल सिंह दिल्ली संदीप सिंह औरैया विमल प्रजापति कानपुर हेमंत कुमार कानपुर देहात योगेंद्र सिंह उन्नाव सिंह गुप्ता और बता दें आपको कि काफी लोग मौजूद रहे। वहीं जोलूपुर गांव में कार्यक्रम के आयोजन में पूर्व नौ सैनिक परिवारों तथा बुद्धिजीवियों का सराहनीय रही बुद्धिजीवियों की सहभागिता रही। रिपोर्ट रहमत खान जालौन। आज ही भारतीय नौसेना दिवस का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है यहाँ जोलूपुर श्रीजा गार्डन में आपके द्वारा सुरेंद्र राठौर जी, तो उसके लिए आप नई पीढ़ियों को और नौजवानों को क्या उद्देश्य मतलब क्या सिखाना चाहते हैं क्या बताना चाहते हैं आपके? देखिए भारतीय नौसेना दिवस पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है, हर शहरों में मनाया जाता है। जहां पर भी भूतपूर्व सैनिक है इस दिन को वो अपना सबसे पवित्र दिन मानते हैं। लेकिन इस बार कानपुर में जो नेवल वेटरन्स हैं उन्होंने ये प्लान किया कि अब हम शहर से निकल के नौसेना दिवस को किसी रूरल क्षेत्र में जाके मनाएंगे। जहां हम नौसेना दिवस के रूप में कार्यक्रम जब आयोजित करेंगे तो उससे एक हम संदेश देंगे यहां के लोगों ग्रामीण लोगों को कि कैसे हम लोग नेवी में नौकरी करके अपने अनुभव शेयर करेंगे, हमने क्या क्या वहां सीखा, सीखने के बाद फिर बाहर जब हम लोग रिटायर होके आए तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कितनी सारी हमारी अपॉर्चुनिटी हमको मिलती है। तो ये एक संदेश देने का काम हम लोग कर रहे हैं। हमारे मीडिया परिवार की ओर से आपको आज से कार्यक्रम में कहाँ कहाँ से आपके साथी आए? हाँ, आज का जो कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं जितने लोग हैं ये किसी एक जगह के नहीं है। इसमें जनपद जालौन से भी हैं, हमीरपुर से भी हैं, इनावा से भी हैं, उन्नाव से हैं, कन्नौज से कानपुर देहात औरैया दिल्ली यहाँ तक कि दिल्ली से भी लोग आए हैं। इस यूनिट में कोई ऑफिसर रैंक का अधिकारी रिटायरमेंट आपके साथ में? ऑफिसर इन द सेंस कि नेवी में जो है दो कैडर होते हैं, एक ऑफिसर का एक सेलर, तो चूंकि हम सारे सेलर थे तो हम लोग जो है सारे सेलर ही इसमें हैं, हमने किसी ऑफिसर को इसमें आमंत्रित नहीं। हमारे सभी मीडिया परिवार और की तरफ से आपको भारतीय नौसेना दिवस के आप सभी को हार्दिक धन्यवाद। रहमत खान जी एबीपीएमपी पवन गुप्ता जी समाचार 24 इंडिया। हमें मिलने
हिमांशु जी डाक के विषय हिमांशु जी